देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जिम्मेदारी निभाने वाला जो संगठन है लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसका कार्यक्षेत्र अब 3 गुना होने जा रहा है। जी हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण अब बाराबंकी के बहुत से हिस्सों में भी लागू होगा और लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि लखनऊ को काफ़ी पहले ही मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी एक महानगर का दर्जा दिया गया था, लेकिन महानगर में जो क्षेत्रफल के मानक होते हैं, महानगर में जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरह से लखनऊ को अभी भी सुविधाएं हासिल करना बाकी है। इसलिए लखनऊ के क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात हो रही है और लखनऊ में अब लैंड बैंक यानी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। अगर लखनऊ में कोई सरकार को अच्छी योजना लानी है, विकास के बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स लखनऊ में लाने हैं, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब लखनऊ शहर बाराबंकी की ओर रुख कर रहा है। लखनऊ का नज़दीकी जनपद बाराबंकी है। बाराबंकी और लखनऊ को लोग ट्विन टाउन भी कहते हैं। दोनों शहर अब धीरे धीरे काफ़ी निकट आ चुके हैं। लखनऊ और बाराबंकी के बीच जो ऑफिशियल डिस्टेंस था पहले, वो लगभग 30 किलोमीटर का था, लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से लखनऊ और बाराबंकी एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए हैं और अब लखनऊ मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा बाराबंकी शहर और उसके 3 विकास खंड होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भी मांगा है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव भी भेज दिया है। बहुत जल्दी इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन भी होना है और उसके साथ ही बाराबंकी के देवा, निंदूरा और बंकी विकास खंड के सैकड़ों ग्राम पंचायतें लखनऊ का हिस्सा हो जाएंगी। इसके साथ ही पूरा बाराबंकी शहर यानी बाराबंकी नगर पालिका परिषद का जो क्षेत्र है वह भी लखनऊ का हिस्सा हो जाएगा। द इंडियन ओपिनियन से बात करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सरकार इस बार काफ़ी गंभीर है इस बात को लेकर कि राजधानी का जो क्षेत्र है उसे एक सुनियोजित रूप दिया जाए। राजधानी लखनऊ में आज भी बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनकी हालत स्लम्स के जैसी है, झोपड़पट्टी के जैसी है, जहां पर रास्ते अच्छे नहीं हैं, जहां पर तंग गलियों में जाना पड़ता है। तो लखनऊ आने वाले समय में एक विकसित और सुनियोजित रूप से विकसित महानगर के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए लखनऊ का जो एरिया है, लखनऊ का जो क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वर्तमान में राजधानी लखनऊ में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है वह 1051 वर्ग किलोमीटर है और बाराबंकी के 3 विकास खंडों को शामिल करने के बाद, और सिर्फ बाराबंकी के 3 विकास खंड यहाँ पर LDA में नहीं शामिल होने जा रहे हैं, इसके साथ ही लखनऊ जनपद का जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है यानी लगभग पूरा लखनऊ जनपद और बाराबंकी के 3 विकास खंड, बाराबंकी शहर, ये सब लखनऊ का हिस्सा होंगे और लखनऊ का जो आने वाले समय में जो लखनऊ महानगर विकसित होगा, लखनऊ मेट्रो सिटी जो विकसित होने वाला है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 3091 वर्ग किलोमीटर होगा। यानी वर्तमान में जो लखनऊ शहर आपके सामने है, वर्तमान में जो LDA का एरिया आपके सामने है, वह लगभग 3 गुना और अधिक बड़ा हो जाएगा और सैकड़ों नई कॉलोनियां बनेंगी, नए बस स्टैंड बनेंगे, नए रेलवे स्टेशन बनेंगे और एक नया एयरपोर्ट भी विकसित होगा। इसके लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि राजधानी लखनऊ के लिए एक और नया एयरपोर्ट बनाया जाए। फिलहाल यह एयरपोर्ट उन्नाव रोड पर बनाने की चर्चा हो रही है। कुछ लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट को बाराबंकी में बनाया जाए और लखनऊ मेट्रो को बाराबंकी तक लाने की भी योजना है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। LDA के VC इंद्रमणि त्रिपाठी बताते हैं कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बाराबंकी के समस्त गांवों का सर्वे पहले भी हो चुका है और ये जो 3 विकास खंड शामिल होने हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनका दोबारा सर्वे कराएंगे और बाराबंकी का जो क्षेत्र लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल होने जा रहा है, उस पूरे एरिया में
सभी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, वहाँ पर आधुनिक लाइटिंग होगी और जो लखनऊ शहर का आप स्वरूप देखते हैं, लखनऊ के अच्छे इलाकों में, पॉश इलाकों में जिस तरह का विकास, जिस तरह की रौनक आप देखते हैं, वो रौनक आपको आने वाले समय में बाराबंकी के उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी जो लखनऊ का हिस्सा बनने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी लापरवाही और देरी के इस फैसले पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि बाराबंकी शहर का जो हाल है, बाराबंकी में भी अब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लखनऊ के अंदर चूंकि जगह खत्म हो गई है, लखनऊ में अब लैंड बैंक नहीं है, लखनऊ में जो जगह बची है वो बहुत महंगी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो लखनऊ में बसना चाहते हैं, जिन्हें लखनऊ में आवास के लिए सस्ते प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो बाराबंकी में बस रहे हैं, अयोध्या हाईवे पर बस रहे हैं। और लखनऊ और अयोध्या ये दो महानगर हैं, लखनऊ पहले से एक महानगर है और अयोध्या एक वैश्विक महानगर बनने वाला है और उसके बीच में बाराबंकी जनपद है, यानी लखनऊ और अयोध्या के बीच में जो जंक्शन है वो बाराबंकी है। तो बाराबंकी को अनदेखा करना, बाराबंकी की उपेक्षा करना बिल्कुल भी गलत होगा। ऐसे में बाराबंकी को, समस्त बाराबंकी नगर क्षेत्र को और पूरे बाराबंकी जनपद को भी एक सुनियोजित विकास का अधिकार, तरक्की का हक, तरक्की का अधिकार ज़रूर मिलना चाहिए। यहाँ के लोग जो लखनऊ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी वो सुविधाएं, वो विकास, वो तरक्की, वो रफ्तार मिलनी चाहिए जो लखनऊ को मिल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की इस पहल के बाद परिदृश्य बदलेगा, रोज़गार के नए अवसर भी सामने आएंगे। यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन इस क्षेत्र में हो रहा है, नए इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाए जाएंगे लखनऊ और बाराबंकी के बीच। दो नए इंडस्ट्रियल एरिया फिलहाल घोषित हो चुके हैं, लीडा यानी लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है और सीडा यानी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, यानी दो क्षेत्र, दो औद्योगिक क्षेत्र भी बड़े विकसित होंगे। पहले से ही UPSIDC ने कुर्सी रोड पर काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है और भी बड़े उद्योग आएंगे, जिसके बाद बाराबंकी को काफ़ी लाभ होगा, लखनऊ को भी लाभ होगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो 7 मेट्रो सिटीज़ हैं उनके चहुमुखी विकास के लिए योगी सरकार एक रोड मैप लेके आ रही है, फिलहाल शुरुआत लखनऊ और बाराबंकी से हो रही है। तो इस पहल का स्वागत किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन बदले, उन्हें भी विकास में भागीदारी मिले, रोज़गार मिले, तरक्की मिले, ये भी बहुत ज़रूरी होगा। द इंडियन ओपिनियन के साथ जुड़े रहिए और इंडियन ओपिनियन पर रोचक खबरें, आपके काम की खबरें, आपकी तरक्की की खबरें, आपके अधिकारों की खबरें देखने के लिए इंडियन ओपिनियन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन ओपिनियन को यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हर खबर पर, हर वीडियो पे अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिए, अपने मित्रों से भी शेयर करिए और हमें सुझाव दीजिए, हमारा मनोबल भी बढ़ाइए और हमारा मार्गदर्शन भी करिए। धन्यवाद।